मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वंडरफुल। टुडे आई एम इन जिस्पा और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स ले। और जिस्पा टू ले की जो जर्नी होती है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। और सुबह हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड है और 10-11 डिग्रीज का टेम्परेचर है। थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाता हूँ और निकलता हूँ बाइक पे और आपको मिलता हूँ वहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइज, और ये पहाड़ों में मैं निकल चुका हूँ सुबह के बज चुके हैं 7। और बहुत बड़ी गलती हो चुकी है कि मुझे लगा था कि जिस्पा में अपना लास्ट पेट्रोल स्टेशन होगा, वहाँ पे हम लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन जिस्पा में वैसा कुछ है नहीं। द लास्ट पेट्रोल स्टेशन मनाली ले हाईवे पे है, किलोंग में, जो किलोंग है यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे। तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, अभी पेट्रोल फिल करवाना पड़ेगा, कुछ पेट्रोल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि किलोंग से लेकर उपशी तक, मतलब जो ले के बहुत नज़दीक है, वहाँ तक कोई पेट्रोल पंप है नहीं। हम लोग अभी 20-25 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं टू फिल द पेट्रोल एंड टू कम बैक एंड देन स्टार्ट द जर्नी टू ले। आज की जर्नी होने वाली है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस। स्टे ट्यून्ड और देखते हैं कि हमारे साथ होता क्या है आज। सुबह जुगाड़ हो चुका है पेट्रोल का, ये रहा, तो रस्सी लेने के लिए जाना पड़ा मार्केट, फिर कैन लेने के लिए यहाँ आना पड़ा पेट्रोल डालने के लिए। पेट्रोल पंप 10 लीटर पेट्रोल मैं कैरी कर रहा हूँ, 10 लीटर पेट्रोल चेतन कैरी कर रहा है। हम किलोंग मार्केट गए, वहाँ से रस्सी ली, कैन खरीदे, पेट्रोल डाला। वो रस्सी हमें टाई करने के लिए, वो सब के लिए मुझे 1 घंटा लगा। चेतन का सिस्टम बना दिया, फिर मेरा सिस्टम बन गया। इतनी ठंड भरे मौसम में हम लोग पसीना पसीना हो गए हैं। अब ले पहुँचेंगे नहीं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि 9 बजे निकल रहे हैं हम लोग किलोंग से। 10 बजे अपन निकल चुके हैं जिस्पा की बहुत ही खूबसूरत रोड से। यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है, बड़े बड़े माउंटेन्स, और ये जैसे कल तो पागल ही हो गया था मैं। उस खूबसूरती के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ दरचा की तरफ, जो है 4 किलोमीटर। हम लोग सरचू क्रॉस करेंगे तो एक टाइप का माइलस्टोन हो जाएगा। यहाँ पे चेतन रुका है 1 सेकंड एंड हम लोग ब्यूटीफुल ब्रिज पे पहुँच चुके हैं। पहाड़, वैली और ये रिवर इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन बना देती है कि यार क्या बताऊं मैं। अभी तक रोड कंडीशन बहुत बढ़िया है। मनाली से ले वाली जो जर्नी होती है हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पासेस से, एक मिनट, ये चेक पोस्ट आ गया अपना, पे काम हो गया, उन्होंने सिर्फ गाड़ी का नंबर ले लिया, कहाँ जा रहे इतना पूछा, बस चेक पोस्ट पे उतना ही होता है। तो ये पहला चेक पोस्ट हो गया जिस्पा के बाद। तो पीछे एक रॉयल एनफील्ड का एक बोर्ड था जिसपे लिखा था कॉल योर फैमिली फ्रेंड्स, क्योंकि इसके आगे जो है नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। सरचू है यहाँ से 77 किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि आगे वाली जो रोड जा रही है वो जा रही है कारगिल और ये जा रही है ले की तरफ। सामने बर्फीले चट्टाने, बर्फीले चट्टान, बर्फीले माउंटेन्स, बर्फीले पहाड़ है। पहला थोड़ा सा बेड पैच, हाँ हाँ हाँ, पानी देखो यार कैसे गिर रहा है, अच्छा सा दिख तो बहुत खूबसूरत रहा है, ठंडा होगा पानी। हाय हाय, थैंक यू सर। सरचू के लिए निकलते हैं पहले, सरचू पहुंच जाए उसके बाद। अभी मुझे चाय आराम से, वरना रोड वापस अच्छा रोड बन चुका है। हेड्स ऑफ टू बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, वेरेवर इट्स नीडेड दे आउट परफॉर्म हियर। चलो छुटकू सी ही सही, लेकिन पहली रिवर क्रॉसिंग मिल चुकी है, जिसको रिवर क्रॉसिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन चलो पानी के अंदर से जा रहे तो कह लेंगे, क्योंकि पहली बार हो रहा है तो यहाँ से पानी गिर रहा है। ओ यार ऊपर पहाड़ देखो यार कितने अच्छे लग रहे हैं। हम लोग पहुंच गए दीपक साल, मैं आपको दिखा देता व्यू। तो हम लोग आए हैं यहाँ से, तो इस रोड से आने के बाद आपको यहाँ पे एक जगह मिल जाती है जहाँ पे दीपक ताल है, और चाय पानी का कुछ सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वाटर लुक्स टू बी क्लीन, अच्छा पानी है, क्लीन पानी है, पहाड़ों के बीच में है, तो इट्स अ नाइस प्लेस फॉर ब्रेक लेने के लिए। तो यार दीपक ताल के पास एक ब्लैक कॉफ़ी हो गई, बहुत उमदा कॉफ़ी थी। अल्टीट्यूड का इफेक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको फील हो रहा होगा, लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है। आ यार खूबसूरती देखो, जगह की खूबसूरती देखो ना, तो सब कुछ भूल जाओ। मन कर रहा है मेरा कि एक बार कम से कम हम पानी के बहुत नज़दीक चले जाएं, ताकि विदाउट टाइम वेस्ट ना करते हुए भी थोड़ा पानी के साथ खेल सकें। नज़ारे देखो अब यहाँ के, और यहाँ पे हैं सॉरी, और यहाँ पे थोड़ी सी वाटर बॉडी क्रॉसिंग करनी पड़ रही है। आ चुका है वापस थोड़ा बहुत ऑफ रोड, कितना है पता नहीं, देख लेते हैं। अरे बाप रे और भी है बॉस, चलो पानी में से निकलना पड़ेगा बॉस। बॉस इतना एक्सपेक्टेशन है कि पानी में कोई ऐसा स्टोन ना हो जो मेरे पिछले टायर को यहाँ से वहाँ कर दे, अगर कर दिया ना तब जाके गाड़ी को प्रॉब्लम होगी, वरना नहीं होनी चाहिए।
So this is going smooth. This is going good. Going good. बाप रे, पानी का सीन चला गया है अभी. ये मिट्टी 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 थोड़ा बहुत बचा है. दोनों शीशे में जो है मेरे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं अभी. ये क्या है? वेलकम टू जिंग जिंग बार, डैन ऑफ बारा चपा लेपर्ड्स. ओके, तो फर्स्ट और सेकंड गियर में भी मीटियोर में फील हो रहा है कि वो उतना रिस्पांस नहीं दे रही. अभी मैं सेकंड में हूँ, खींच रहा हूँ, पूरा एक्सेलेटर खींच लिया तो थोड़ा बहुत रिस्पांस आता है. तो पहले मुझे लगा था कि ये होगा क्लच अपना एक्सेलेटर केबल की वजह से, लेकिन वैसे है नहीं, एल्टीट्यूड का ही प्रॉब्लम है. एल्टीट्यूड की वजह से ही ऐसी बिहेव कर रही है. तो कुछ बाइकर्स एक दूसरे को थम्स अप देते हुए, बाइकर्स और बाइकर्स में ना बहुत रिस्पेक्ट आ जाता है यहाँ पे आके. और ये है जिंग 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 जिंग. अरे यार, ये जिंग 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 बाद में करेंगे, बहुत रोड खतरनाक है तो अपन ध्यान रखेंगे. और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, अगर आप सबकॉन्शियसली बाइक के ऊपर ना बहुत अच्छा कंट्रोल ला सकते हो ना, तो आपके जैसा राइडर कोई है नहीं फिर, क्योंकि आप राइड करते वक्त ये खूबसूरती भी इंजॉय कर पाओगे. उस लेवल की एक्सपर्टीज़ अगर आप में है तो भाई सोने पे सुहागा है. एंड जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी टेस्टिंग तो भाई चल रही है यहाँ पे, एंड आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद व्हाट द आउटकम इज. कि अपन अल्टीट्यूड भाई झटपा झप ऐड कर रहे हैं फिलहाल. ओ राजेदन.